पहलवानों ने कहा है कि अब अपने जो मेडल हैं उसे वो गंगा जी में विसर्जित करने वाले हैं और हरिद्वार में गंगा जी में विसर्जित करेंगे। इसके बाद इंडिया गेट आकर वो आमरण अनशन करेंगे। उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और मेडल से उन्हें बहुत प्यार है और इसी वजह से अब उनके विरोध का तरीका यह है कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नए संसद भवन के सामने विरोध करने जब वो जा रहे थे तब पुलिस ने बैरिकेड लाकर रोकने की कोशिश की। बैरिकेड को पार करते वक्त कई सारे पहलवानों को हिरासत में लिया गया, बाद में हालांकि छोड़ दिया गया, लेकिन उनके टेंट जो है जंतर मंतर से हटा दिए गए थे और अब उनका ये कदम। जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ऐलान किया है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है और जिस तरह की कार्यवाही हुई है उसके बाद अपने मेडल आज शाम गंगा में प्रवाहित करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ही दुखद दृश्य देखने को मिले जिसमें वो लोग जिन्होंने भारत देश का नाम दुनिया में रोशन किया, जो बड़े बड़े मेडल्स जीत कर लाए और हमारे तिरंगे झंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराया, उन बेचारे एथलीट्स के साथ अन्याय हो रहा है। वो जो मांग कर रहे हैं वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए या अपने लिए, अपने किसी भले के लिए, अपनी कोई संपत्ति जायदाद की मांग तो कर नहीं रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इतनी निर्दयी सरकार है, जब वो मन बना लेते हैं तो फिर वो किसी के नहीं सुनते और आज उसी के चलते हमारे देश के एथलीट्स की दुर्गति हो रही है। आज मुझे लगता है भारत देश का एक एक शख्स, तमाम पार्टियां छोड़ दीजिए, एक एक शख्स हमारे देश के एथलीट्स के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा है। वो कह रहे हैं देखिए हम सैनिक तो नहीं है जो देश पर खून बहाते हैं, लेकिन हमने पसीना बहा के देश के लिए नाम किया है, लेकिन पुलिस की जो कार्यवाही हुई उससे लेकर के काफी नाराज हैं, दुखी हैं और शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपना मेडल गंगा जी में बहा देना। आपको लगता है कि एक व्यथा किस हद तक पहुंची होगी? बहुत, मैं उनकी मन की पीड़ा समझ सकता हूं और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आज हमारे एथलीट्स के इस न्याय की मांग में, इस इंसाफ की गुहार में उनके पक्ष में नहीं खड़ा और भाजपा के पक्ष में खड़ा है। गंगा में मेडल विसर्जित करेंगे और एक ओपन पत्र लिख दिया। देखिए ये मेडल हमें नहीं चाहिए, ये आप, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ, ये वो ओपन लेटर है और पहलवानों ने अपना दर्द इसमें बयां किया। एक बार फिर से हम आपको ये पत्र दिखाएं यहाँ पर और पढ़कर भी सुनाएंगे। पहलवान लिखते हैं कि ये मेडल हमें नहीं चाहिए, इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार किया जाता है, तंत्र हमारा शोषण किया जा रहा है। ये मेडल पूरे देश के लिए पवित्र हैं और पवित्र मेडल रखने की जगह पवित्र गंगा है, गंगा हो सकती है, इसलिए हम इसे विसर्जित कर रहे हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और इस पत्र में पहलवानों ने लिखा है कि अब लग रहा है कि हम क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ घटिया व्यवहार करे? और कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरती रहीं, तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वो पीड़ित महिलाओं को उनका धरना समाप्त करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। तो ये एक खुला पत्र पहलवानों ने लिखा है और इसमें उनका दर्द उन्होंने बयां किया है।